ये एक संयोग है, मिस्टर अमन सागर हैं जो हमारे फ्रेंड हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो ये प्रपोजल हमारे पास लेके आए थे तो हमने ये सुना। तो मैच ऑफ लाइफ का टाइटल सुन के जिस तरीके से इच्छा हुई कि सब्जेक्ट क्या है, तो एक तो आपको मालूम है जैसे इस लीडिंग कैरेक्टर अमित मिश्रा हैं जो विराट के हम शक्ल लगभग लगभग तो सैराट बने हुए हैं, लेकिन एक मीनिंगफुल फिल्म है, फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, लाफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म है। दूसरी चीज़ कि आदमी की ज़िंदगी ये फिल्म मनोरंजन के साथ ये मीनिंग देती है कि आप अगर मैच है सब कुछ आपका, ज़िंदगी का जद्दोजहद, ज़िंदगी का संघर्ष ही जो है मैचिंग के ऊपर है। अगर आपकी जैसे आप चाहे कपड़ों की मैचिंग हो, चाहे आपकी रोटी कपड़ा और मकान की मैचिंग हो, दाल चावल रोटी सब्जी की मैचिंग हो, अगर सही कॉम्बिनेशन है तो सब स्वाद है, और अगर कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो सब मिसमैच है। तो आई थिंक मैच और मिसमैच के बीच में हम जिंदगी को कितना गंभीरता से लें और कितना सिस्टम से लें ताकि हमारी ज़िंदगी मैचपूर्ण है, तो मतलब सब कुछ सिस्टम पूर्ण है, मतलब स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल हैं। और अगर आपने गंभीरता से नहीं लिया और आपकी लाइफ एक बार मैच से मिसमैच हुई, तो मैच मैचिंग करने के लिए जितना कि ये बोलते हैं ना कि अगर आपने कपड़ों का कॉम्बिनेशन बिठाया और मैच नहीं हो रहा है तो कपड़े या तो दूसरे सिलवाने पड़ेंगे या उनको बदलवाना पड़ेगा, इतना सिस्टम होता है। तो पारिवारिक जिंदगियों के लिए मैच ऑफ लाइफ जो है, एक तो लुक लाइक के माध्यम से और दूसरी अपनी इंडिविजुअल पहचान के माध्यम से बहुत ही मीनिंगफुल फिल्म है। सर, हर किरदार में आप परफेक्ट बैठ जाते हैं और वो फिल्म जो है चार चांद लगा देती है, उसके पीछे क्या राज है? आप सबकी दुआएं हैं, ऊपर वाले का रहमो करम है, माता पिता का आशीर्वाद है, और मेरी बस बुद्धि बनी रहे कि बस ये आत्मसात करके जो लाइनें मिलती हैं वो आपके सामने परोसता रहूं, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। 20 साल पूरे हो गए आपके करियर को, उस पर क्या कहना चाहेंगे? और कितना बदलाव देख चुके हो आप इन 25 सालों में सिनेमा में? 25 साल में सिनेमा में एवरी मोमेंट, जब बोलते हैं ना कि प्रकृति 24 घंटे में 24 बार कलर चेंज करती है, तो सिनेमा क्यों नहीं, सिनेमा तो वैसे ही नेचर को बिलोंग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 25 साल में जो है वो एक एक दिन सिनेमा के लिए, कि पहले 15 करोड़ के क्लब की फिल्म बनती थी, अब 150 करोड़ के क्लब की फिल्म बनती है। पहले जो आपके 5 लाख रुपए कीमत होती है वो अब 5 करोड़ कीमत हो गई है। पहले जो मकान 5 लाख मिलता था, अब वो 50 लाख या 5 करोड़ में नहीं मिल पाता।